Aya 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 Afulatun, hey Afulatun. Aya 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 Afulatun, hey Afulatun. Go to America, back to South Africa, and to Antarctica, Lord K Karnataka. Aya 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 Afulatun, hey Afulatun. Aya 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 Afulatun, hey Afulatun. चोरी करके ब्रह्मा के घर से पुस्तक ले गए, ये अफलातून आके विष्णु के पास जाके मछली का भेष लाया। भैंसासुर को मारा, भेष मंडी धारा। गलती से शिव ने एक अजनबी को अमर रहोवर दे दिया, ये अफलातून आके जाकर पार्वती को चामुंडा भेष में ले आया। भैंसासुर को मारा, भेष मंडी धारा। सबका उद्धार किया, सबका उद्धार किया। अन्याय न सहा, अन्याय न सहा। करोड़ों में वो एक है, ओ जी हो, ओ जी हो जी। आया 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 अफलातून, हे अफलातून। Aya 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 Afulatun, hey Afulatun. कभी सोमनाथ के मंदिर में था चूहों का खूब हुड़दंग, ये अफलातून को कुछ सूझी बन के गेंडा चूहों से सबको इसने बचाया। गेंडा बन के आया, हर विपदा से बचाया। वो बीन बजा के मस्ती में गा के गाँव चल पड़ा, हो इसके पीछे बच्चे सारे ऐसे भागे इसकी माया का क्या कहना। गेंडा बन के आया, हर विपदा से बचाया। गाँव में पहाड़ों में, मांगे हर दरवाजे पे, सबका दुख हरने आया जोगी, वो जोगी जोगी। आया 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 अफलातून, हे अफलातून। ऐसा 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 अफलातून, हे अफलातून। Go to America, back to South Africa, and to Antarctica, लौट के कर्नाटका। आया 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 अफलातून, हे अफलातून। आया 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 अफलातून, हे अफलातून। कहाँ चला गया अद्भुत किस्म का हमारा चंद्रगुप्त? हे हे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ओहो, आप यहाँ हैं? आप यहाँ मेरी टांग खींचेंगे, मुझे पता था। क्या बात है, आज बहुत मस्का लगाया जा रहा है। मैं तुम्हें मस्का कहाँ लगा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा चमत्कार बता रहा हूँ। क्या है ना मालिक, सुनिए, आप पिछले 6 महीनों से बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं और उधर पाप के बोझ से धरती हिलने लगी है। ए चुप, देखो ये धरती का नाम मेरे सामने फिर से मत लेना तुम्हारा। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? मुंह बंद करो। देखो चित्रगुप्त, कोई देवता या राक्षस का लफड़ा है तो मुझे बताओ, सॉल्व कर दूंगा। क्योंकि देवता के दिमाग में अक्ल होती है, उन्हें समझाओ तो समझ जाते हैं। और राक्षसों के दिमाग खाली होते हैं, अकल दो तो उसमें भर लेते हैं। लेकिन ये जो मानव जो है ना, वैसे हैं ना ऐसे हैं, वो दोनों ही से बिल्कुल ही अलग हैं। स्वयं नारायण ही अवतार लेके उनका उद्धार नहीं कर पाए, पता है। नो टेंशन महाराज,
धरती पर एक भिखारी हर घंटे में एक बार तेरा नाम लेता है। जो तुम्हें याद करता है उसकी तकलीफ दूर करना अफलातून का फर्ज है, इसलिए तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। इस देश के मजदूरों के लिए रातों रात दौलतमंद बनने के लिए सिर्फ तीन ही रास्ते हैं। पहला, अफलातून जैसा आसमान से सोने की बरसात करना और उसे गरीब बटोर ले। दूसरा, हर गरीब को हर रोज एक एक बम्पर लॉटरी लगनी चाहिए। तीसरा, इस देश में जितने भी सेठ हैं वो रातों रात क्लीनर बन जाने चाहिए। हाँ, अरे ये कौन है? मैं इस गैरेज का मालिक हूँ। ड्यूटी खत्म होने के बाद ऑनर का यहाँ पे क्या काम है? रिपेयर करवाना है। किसकी? आपकी? मेरी नहीं, मेरी गाड़ी का। ब्रेक फेल है, कैसे यहाँ तक आया पता है तुझे? छुट्टी होने के बाद मैं पाना नहीं पकड़ता। हा? अगर मैं ओवरटाइम करूँ तो तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं दोगे? ओहो, फोकट में गुलामी करने के लिए क्या तुमने मुझे कुली समझा हुआ है? आज के बाद तुझे यहाँ काम नहीं है। गेट आउट। गेट आउट? जब मैं बचपन में 8 साल का था तब मेरे पिताजी ने कहा कि हल में बैल बांधो। मैंने कहा मैं जाके देश को बांधूंगा। पढ़ लिख के हनुमानपुर से गेट आउट कर दिया। गांव छोड़ के सिटी आया। होटल क्लीन से लेके गाड़ी क्लीन का सारा काम मैं आज तक अपने आप ही करते आया हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि हर जगह तेरे जैसा कंट्री मालिक मिले, इसलिए अफलातून को मैंने एप्लीकेशन भी डाली है। राजस्थान स्टेट बम्पर लॉटरी भी खरीदी। कैसे भी हो बस 50,000 मुझे मिले। बस मैं हनुमानपुर जाके मेरी बहन की शादी करा के मेरे मामा ने जो मेरे बापा की जमीन को गिरवी रखा है उसको मैं अपने हाथों से छुड़ाऊंगा और हाल में बैल भी बांधूंगा और पिताजी की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। गुड बाय। देखा महाराज यहाँ की तकलीफ? हाँ देखा। हाँ तो फिर कुछ करो ना। वो बहुत कम्युनिस्ट किस्म का इंसान है। मैं दूंगा तो रख नहीं पाएगा, सीधे से दे तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसी तरह वो पैसा कमा के हनुमानपुर लौटने से पहले मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आता हूँ, ठीक है ना? ये हुई ना बात, तभी तो कहते हैं अफलातून अपने वादे का पक्का है। Thank you.
यही लोग मानव हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नहीं? क्यों महाशय, ये हनुमानपुर है ना? शायद मेरी एंट्री तो सही नहीं हुई, कोई बोल ही नहीं रहा है। छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, आजी, पहले ही मुंह घुमा दिया। भूटानी चाचा, ये सब घूम गए हैं क्या? ऐसे बैठे हैं जैसे भूख हड़ताल पे बैठे हों। मुंह तो खोलेंगे नहीं। खैर, प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी देंगे क्या? ओहो हो, पीने का पानी नहीं है, इसके लिए है क्या? आहा हा, मुझे अभी पता चला है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, और ये अभी पता चला है। मुंह तो खोलेंगे नहीं और पानी भी नहीं देंगे। शहर से भटक के यहाँ पहुँचा हूँ और ये सब यमदूत की तरह बैठे हैं। थू। गोविंदा, उसने क्या कहा? गोविंदा, छोटे, तेरी भैंस कितना दूध दे रही है? दिन भर में 7 लीटर देती है भाई। 2 किलो तिल की खली खिला दे, कल से 2 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए, समझदार के देश में ये बेवकूफ है जैसे कीचड़ में भैंस। गांव के लड़के शहर जाते हैं, लेकिन ये शहर के लड़के गांव की ओर आए हैं, यही कह रहे हो ना? है नहीं रहा छोटे, ये तो हो रहा है। बाप रे, जो पानी मांगते यहाँ आया था, अब कितनों को पानी पिलाएगा भगवान जाने। अरे बाप रे, हरिओम, बच गया। ए भाई, क्या ये ठोकने से पहले ही गिर गए? तुम कैसे हो ये मुझे अच्छी तरह पता था पहले से, इसलिए मैं ठुकने से पहले ही गिर गया हूँ। कोई बात नहीं, गांव में एक अकलमंद तो आया। इसलिए ही तो ऊपर वाले ने शहर के बजाय गांव में भेज दिया। तो ठीक है, हम खड़े होके बातें करें। ठीक है, तो हाथ धोना, लो पकड़ो। हाँ, खुद का बैलेंस जब सही नहीं है तो साइकिल चलाने की क्या जरूरत है? बैलेंस तो मेरा सही है भाई, झटके लगाते हुए भाई। बैलेंस को ब्रेक नहीं है, इसलिए तो मैं आया हूँ। आगे मैं लगा दूंगा ब्रेक। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ए, तू अपना रवि तो नहीं है, अपनी बहन का बेटा? 20 साल बाद देख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही हो। अब और 20 साल जाएंगे तब भी मैं ऐसे ही रहूंगा। हाँ, ऐसा क्या? एक कहावत है। कोई कहावत की जरूरत नहीं है, पहले मेरी जान छोड़, मैं चलता हूँ। तेरी तो मुझसे बेइज्जती से बात कर रहा है। कहावत जो है वो महापुरुषों की वेदवाणी होती है। बहुत दिनों के बाद आया है तू गाँव में, एक जुलाब की गोली लेना। क्या बात है भाई, गांव में आते ही जुलाब की गोली देना शुरू कर दी है? समझा देता हूँ, मेरा नाम जुलाब की गोली आत्माराम है, इसलिए सारे गांव में मेरा नाम जुलाब पड़ा है, समझे तुम? 1 रुपए में 2 गोली। पहले तेरे से ही बहुनी कर रहा हूँ, पूरा पेट साफ हो जाएगा। ये गोली मुझे नहीं चाहिए, उधर झाड़ के नीचे
चार बूढ़े लोग बैठे हैं, ये गोली उन्हें दो। क्यों? क्योंकि कल से वो लोग वहाँ नहीं दिखने चाहिए, समझे तुम? मैं चलता हूँ। अरे पैसा है इसका, गोली उनको, मेरे बाप की गलती का नतीजा तो नहीं है? अरे 100 रुपए और देता तो पूरे गांव में जुलाब की गोली बांट देता मैं, लेकिन इतना भी जरूर करूंगा मैं। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरा राजा, इतने दिनों से कहाँ था तू? तू जरूर आएगा, मैं जानती थी, मुझे पता था, मेरी तपस्या का फल आज मिला। तू कहीं शशि कपूर तो नहीं? तो बताता हूँ, ये क्या मुसीबत है भाई, मैं शशि कपूर नहीं मैडम, राज कपूर हूँ। राज कपूर हो? बम्बई से आए हो? मैं कोई बम्बई से नहीं आया हूँ, प्यासा देश से आया हूँ। पीने को थोड़ा पानी दोगी क्या? ये पानी तू पिएगा? ये तो सादा पानी है, मेरा शशि कपूर यहीं आएगा, मैं उसकी प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना? ये बीमारी कब से लगी भाई? ये बीमारी हमारे यहाँ फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम देख के हुई थी। पद्मालय टेंट में? पद्मालय में ये फिल्म देखा था, उसका नाम है लालू। पद्मालय टेंट में लालू है? अरे वो टेंट नहीं, सिनेमा दिखाते सिनेमा। ओह मेरा शशि कपूर आने वाला है, मुझे जाना है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ये फिल्म वालों ने शहर से लेके गांव तक सबको बिगाड़ दिया है। ओहो थोड़ा पानी मिलेगा मंजू शर्मा? मेरा नाम मंजू शर्मा नहीं है, मेरा नाम जीना तमान। जीना तमान, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दोगी मुझे? पानी दूं? ये पानी मैं घर के लिए लाई हूँ, घर वालों से मांग लीजिए, मैं नहीं दे सकती पानी। अरे अरे अरे, क्या कर रही झरोखे में? अरे कब से दूसरों को झांकने की हिम्मत आ गई तुझ में? नीचे उतर, उचल, उतर। यहाँ पे ताला नहीं था, इसलिए बाहर का नजारा देख रही थी। तुझे बाहर झांकने के लिए मैं दरवाजे पे ताला लगा के जाता हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बाहर जाने दो ना। अरे रे 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 रे। क्या हो रहा है ये? क्या आज सूर्य पश्चिम से निकला है क्या? कहाँ से निकला है मैं क्या जानू, मैंने कभी देखा है क्या? हैं, तुझे देखने की जरूरत नहीं, अंदर चल, तेरे लिए भी अच्छा मेरे लिए भी अच्छा, चल चल अंदर। बाप ने मना किया था जवान लड़की से शादी न करना, हे भगवान, बाप रे। ए जी, ओ जी, आज तो दरवाजा खोल दो ना, मुझे लगता है गांव में कोई अफलातून आया है। क्या अफलातून आया है? बिगड़ गया नसीब, 365 दिन भी तुझे अंदर बंद करके चाबी मैं अपने पास रखता आया हूँ तो भी फिर अफलातून के बारे में तुझे कैसे पता चल गया? हे प्रभो, बुजुर्ग लोग ठीक ही कहते हैं, पानी में जो मछली है उसकी आँख में और दिल में क्या है हम जान जाते हैं, लेकिन औरत की आँख में क्या है, दिल में क्या है, हम नहीं जान सकते। पतिव्रता, 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 कौन है इधर पतिव्रता? पतिव्रता, अच्छा तो तू है अफलातून, ये क्या है मालिक, इसको देखो तो पतिव्रता कह रहा है और वो इसे अफलातून कह रही है। ए प्रभु, फूट गई मेरी किस्मत। क्या है बे ये बड़ा आदमी तू, पतिव्रता के पास क्या काम है तुझे? हैं? बड़ी जोर से प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी दोगे क्या? हैं? पहले सांस उसके बाद आस। हे प्रभु, अब खिड़की भी बंद करनी पड़ेगी। खिड़की क्यों बंद कर रहे हो भाई, एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ, पहले पानी मांग रहे हो, बाद में जाने क्या क्या मांगोगे। हे प्रभु, फूट गई ने मेरी किस्मत। हे देखो भाई साहब, मैं पैसे से खरीद के नारियल का पानी पेट भर के पिलाऊंगा, पहले तू बाहर चल, चल चल। आप ठीक है? क्या है भाई, इतनी सारी चाबियां लेके घूम रहे हो तुम? क्या बताऊं भाई, कितना भी ताला चाबी में रखो उससे कम है, क्योंकि चारों तरफ से लोग घूरते रहते हैं। ओहो, आज कोई लफड़ा है? हाँ, तू चल। ए, उधर क्यों खड़ा है चोटी, इधर आ।
आया भगवान। ए, नारियल पानी पिलाने का बोल के कहाँ लेके जा रहा है? वही तो पिलाया गया नारियल पानी। आजा। कौन है ये? आजा। ए, कौन है बे ये जो इस तरह से मुझे पूछ रहा है? मैं कौन हूँ ये मुझे अच्छी तरह से जानता है, इसे अच्छी तरह से समझा दे मैं कौन हूँ। कोई रास्ता भटक के आ गया धर्म भाई, मेरे दरवाजे आके पानी मांगा। सिर्फ पानी ही क्यों, धर्म भाई के दरबार में नारियल पानी खाना सब दिला देता हूँ, इसीलिए यहाँ लाया। नारियल पानी क्या, पेट भर के नाश्ता पानी भी मिलेगा, बता इसको। अबे चुप। पानी के बदले नाश्ता दोगे क्या? ए, तू समझता क्या है मुझे? आसपास के 25 गांव में मेरे मुकाबले खड़ा रहने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ये समझा तू इसको। मेरा बाग बगीचा और खेती बाड़ी जमीन जायदाद वगैरह वगैरह कहाँ पर कितना है जानता है तू? ए, 12 एकड़ सुपारी का बगीचा, 25 एकड़ नारियल का बगीचा, 30 एकड़ खेती, 172 एकड़ जमीन, 15 घोड़े, 20 हाथी, 5 भैंस, 6 भैंसा, 30 बकरियाँ, 40 भेड़े, 130 मुर्गियाँ और उनके चूचे। उतना ही नहीं? ए, एक लोटा पानी पिलाने की हैसियत नहीं और मुझे जागीर बता रहे हो? थू भगवान। क्या कहा, एक लोटा पानी पिलाने की हैसियत नहीं है मेरी? पानी पीने के लिए नसीब चाहिए ना मालिक, कभी पुरंदर दास कह गए। अपनी जुबान मुंह में रख, ज्यादा मत बोल। धर्म भाई, आज त्योहार का दिन है, आज रामनवमी है, देव स्थानों में तुम्हारा पहला प्रवेश होना चाहिए। भगवान अगर देर हो गई तो वो देवराज पहले ही आके हड़प लेगा। ए, मेरे जाने से पहले वो देवराज आके कैसे हड़प सकता है? ये बड़े घर के धर्मराज भाई को तुम समझते क्या हो? देखते रहो, पहले मैं या वो। क्या है ये, काम से पहले अपशकुन हो गया। हे भगवान। हे, अब क्या होगा रे? अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? अरे मैं फरिश्ते करके बुलाया तो तुम आ गए। अरे क्यों, मैं फरिश्ता नहीं दिख रहा छोटे महाराज, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोड़, अपना नाम बता। डेढ़ फुटिया? डेढ़ फुटिया नहीं, मेरा नाम प्रिंस है। क्यों बे, भैंस के ऊपर बैठ के खुद को राजकुमार समझ रहा है? अरे झूठ लग रहा है तुम्हें, सच कह रहा हूँ मैं तुमसे। भैंस के ऊपर बैठा हो तो क्या हुआ, ऊंट पे बैठेगा क्या? अरे नहीं गुरु, आज भैंस में बैठा हो तो क्या हुआ, कल सिंहासन में बैठूंगा। ओ, इसलिए तू अपने आप को राजकुमार समझ रहा है? ऐसी बात नहीं है, वो सोनू है ना, सोनू एक बार क्या हुआ, पानी में डूब गया और बम्बई में जाके मिला, और बोलते हैं इसीलिए उसका नाम मुंबई राजा रखा, मुंबई राजा। और मेरी माँ ने भी मेरा नाम इसीलिए प्रिंस रखा, प्रिंस, समझे? समझ गया। हाँ समझ गया। अच्छा ये बाजा बजा सकते हो? बजाओ बजाओ बजाओ। अरे वो डेढ़ फुटिया, थोड़ा चुप रहना यार, यहाँ मैं प्यास के मारे पूरे गांव में भटक रहा हूँ और तू पुंगी बजाने के लिए कह रहा है? नहीं गुरु, आज रामनवमी है ना, शाम को बहुत कुछ खाएंगे पेट भर के। हाँ क्यों छोटे, मजाक कर रहा है क्या? हाँ हाँ आज रामनवमी है ना, यहाँ से जब सीधा चलोगे फिर आगे जाके दाएं मुड़ोगे, फिर हनुमान मंदिर मिलेगा, शरबत मिलेगा, खीर पूरी, जलेबी। हाँ अगर हमारे मालिक जाने से पहले किसी ने हाथ लगाया, खबरदार हाथ काट के रख दूंगा। ए, अपनी बकवास बंद कर, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। ए, अपनी बकवास बंद कर। हमारे मालिक आ गए। तुम्हारे मालिक आ गए, क्या हुआ? ए चोटी। हाँ गुरु। जो धोती बांधना नहीं जानता ऐसा बेवकूफ आदमी प्रधान बना है, इसलिए इस गांव की ऐसी दुर्दशा हुई है। ए शंकर। ए, तेरे मुंह में जो भी आ रहा है बकता जा रहा है। ए, 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 बंदूक लाया होता तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। क्या कहा तूने,
झगड़ा मत कीजिए आप लोग, समझिए मेरी, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, शांति। अरे चल, हर बात तो सुनिए आप लोग। अरे क्या तेरे बाप की है क्या? तू प्रधान है तो क्या हुआ? यहाँ प्रसाद तेरे हाथ से पड़ना चाहिए, ये कोई नियम है क्या? मैं प्रधान हूँ तो मेरा ही कानून चलेगा। एक क्या कर लेगा तू? अरे मैं बताता हूँ, मेरे पास आ तो बताया दादागिरी। अरे यही तो लगती है वो जगह, खान पान खीर और शरबत की जगह। पहले मैं प्यास बुझा लूं, फिर देखूंगा इनको। कौन है ये? हमसे पहले तो इसने हाथ लगा दिया। हमला बोलो इस पे। चलो। अरे कौन? पानी है रे पानी पिला तू, रानी मेरी रानी ना सता रे मुझे यूं। तू बरसा रे, तू बरसा रे, ओ मेघा रे, प्यासा हूं रे रे। कितना है प्यासा रे तू, जन्मों का प्यासा क्या तू, नैन मिले तुझसे रे यूं, अपना सा लगे मुझे तू। राम नाम जप रे ना ऐसा कर तू, गांव की कन्या को नारे छेड़ तू।
अब तो कह दो ठहरो जी ठहरो, ये दिल मेरा ले लो, ना बोलो ऐसे बोलो, बांध ले रे बंधन तू, मन से रे मन का तू, मुझे अभी सोचने तो दे, मन से मन मिलने तो दे, दिल रुबा महबूबा प्रियतमा, ला 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 ला, मुझे पता तुझे पता और बता तू, तेरे बिना कैसे जीऊं यार बता तू, तू गंगा रे तू जमुना रे साथी मेरे बिना तेरे, पानी ठंडा पानी पानी में जवानी, ऐसा लगे मुझे ओ परियों की रानी है, परियों के जैसा तेरा रूप तू खिलती हुई है कोई धूप, है परियों के जैसा तेरा रूप तू खिलती हुई है कोई धूप, महबूबा दिलरुबा प्रियतमा, महबूबा दिलरुबा प्रियतमा, गंगा रे तू जमुना रे ओ साथी मेरे बिना तेरे, ओ साथी मेरे बिना तेरे। अब देखना मैं उसकी गोटी पे कैसे निशाना लगाता हूँ। निशाना कैसा था? तेरे मुंह में आग लगे, भाड़ में जाओ, शर्म नहीं आती? बच्चे साथ गोटी खेलते हुए यहाँ मर रहा है, चल उठ, चल उठ। आहा, तेरी आदत जाएगी नहीं, खेल पूरा हुआ नहीं और बीच में आ गई झांसी की रानी बनके। बताओ ऐसा मत करो। कौन है तू? मेरी औरत का हाथ पकड़ने वाला शर्म लिहाज नहीं है क्या तुझे? थू, तेरा हाथ टूट कर गिर जाए, तेरे कीड़े पड़े, तू मर जाए, छोड़ ममाली की औलाद, तू किनारे हट। अरे छोड़ो ना, इनका रोज का है, इनका फिर से शुरू हो गया, चलो यार। हे कौन है तू, कहाँ से आया है? थोड़ा चुप रहिए ना, मेरा मुंह बंद करने की हिम्मत तेरे बाप में भी नहीं है, तू क्या करेगी? तू किनारे हट। क्या तुम अपने मणि के लड़के रवि तो नहीं हो? हाँ, जब तक ये पढ़ता नहीं इसके समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ। तू कौन है अब ये मैं समझ गया हूँ मेरे दोस्त, तेरे कपड़े से लगता है कि तू अफलातून है। नहीं नहीं, तू मेरे दोस्त का साला रवि है। हाँ, तूने 20 साल पहले ऐसे ही मुक्का मारा था ना मुझे। हाँ भैया, और 20 साल बाद भी अगर पड़ेगा तो उतना ही मजबूत। हाँ हाँ, वो तो पता चल गया। तुम बकवास बंद करो, क्यों भैया घर चले क्या? इस वक्त मैं वही से आ रहा हूँ। वो तो ठीक है, मेरी बहन किधर है? वो क्या, वो तो एकदम सोने की गुड़िया बन गई है। इधर कहीं पढ़ाई कर रही होगी। बगीचा कहाँ है? यहाँ बाजू में है। आवाज देंगे तो सुनाई देगा क्या? पूरा गांव सुनता है तो उसे नहीं सुनाई देगा? तो बुलाओ उसको। शारदा दूसरी जगह चलते, यहाँ कोई देख लेगा हमें। अरे क्यों डर रही हो, यहाँ कोई ना आए इसलिए वहाँ गंगा रखवाली कर रही है हमारी। हाँ
अफलातून, मेरा ये लोटा तुम्हारे पास कैसे आया? ला मुझे दे। लोटा पकड़ने के लिए कहा तो मुझे ही पकड़ लिया। तू यहाँ क्यों आया है? तू यहाँ इसलिए तो आया हूँ। मैं यहाँ हूँ, तूने कैसे जाना? कौन कौन कहाँ कहाँ है, क्या कर रहा है, सब मुझे पता है। और क्या क्या पता है तुझे? इस बगीचे में एक और लड़की है, वो भी मैं जानता हूँ। वो भी पता है? हाँ, ये भी पता है, मुझे सब पता है। उस लड़की का नाम शारदा है, ये भी पता है मुझे। हे भगवान। और उसके साथ एक लड़का है, ये भी पता है। लड़का? हाँ हाँ, पता है, मुझे सब पता है। हाय राम। उसका नाम गोपाल है, ये भी पता है। गोपाल? हाँ हाँ, पता है। क्या चमत्कार है, सब सही बता रहा है। तू कोई ज्योतिषी है? हाँ, वही हूँ। तो फिर बता। मैंने बता दिया तो मुझे क्या दोगी? ए, लेने देने की बात बाद में, पहले बता। ठीक है। खोल। क्या? अपना मुंह खोलना। ऐसे रह, इसकी जुबान काफी लंबी है। अरे क्यों जी, हाथ देखने के लिए कहा तो कहाँ देख रहे हो? तेरे जिस्म पे एक जगह मस्सा है ना। मस्सा कहाँ है, ये भी पता है क्या? मुझे सब पता है, किस किस को कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, ये सब मुझे पता है। चलो अब आंख बंद करो। लो बंद किया। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं रे, मुंह बंद रखो बस। भाई से कितनी डरती है, देखा ना, गायब हो गई। ये भी डर गई क्या? कोई बात नहीं, मैं तो समझ रहा था कि ये प्यार की घटना शहर में ही चलती है, मगर गांव तो उससे भी ज्यादा तरक्की पर है, ये आज पता चला। ठीक है, प्यार तो कर लिया, अब आगे क्या बताओ ना बहना, उसके बाद क्या है? गलती हो गई भैया। ओ, प्यार तो किया, बाद में गलती भी की? अरे नहीं भैया, मैंने ऐसे कोई गलती नहीं की, मैंने सिर्फ प्यार किया बस। उतना ही ना? देखो बहना, प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार के बाद फंसना गुनाह है। उसके लिए क्या सजा है जानती हो? नहीं जानती। मुझे भी नहीं पता, सोच के बताऊंगा, अंदर जा तू। अफलातून अफलातून, जब से उठाऊ तब से तुझे ढूंढाऊ, पता है? किस लिए? गोली खेलने के लिए? उसके लिए नहीं, तुमसे मुझे एक मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए बोल। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा कोई पुराना पैंट शर्ट हो तो मुझे दे दो। पैंट शर्ट पहनने से क्या तू अफलातून बन जाएगा? उसके लिए नहीं, देखो ना सब फट गया है, देखो ना। फट गया तो मैं क्या करूँ, कपड़े में कहाँ से लाकर दूँ? चल यहाँ से। इसका मतलब नहीं देगा? हाँ नहीं दूंगा। नहीं देगा? नहीं दूंगा। जा तू, तेरे जन्म को आग लगे, बड़ा शहर से आया एक पैंट शर्ट नहीं दे सकता, तू बर्बाद हो जा, तुझे कचरा वाले ले जाए, तेरे पास कपड़े ही ना रहे, और जो होना है सब हो जाए। अफलातून, तू पहले शर्ट दे देता तो मैं गाली थोड़ी ही बकता। पैंट शर्ट मैं किस लिए मांग रहा था, इसलिए। ओहो, गाड़ी रिपेयर कर रहा है। हाँ, तेरी भी रिपेयर कर दूं क्या? कर दे भैया कर दे, पहले इसका मुंह बंद कर दे, तीनों वक्त पेट में खाना,
दूसरे बच्चों के साथ गोटी खेलता है, इसी वजह से आज तेरी जमीन खंडर बन के पड़ी है। मेरी जमीन खंडर बन गई है? जमीन की क्या बात कर रहे हो भैया, घर की एक एक चीज इसने शराब के लिए बेच दी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये और दुनिया वाले बेकार कैसे बोलते रहते हैं। तुम्हारे बाप दादा की जो जमीन है ना, उस पे वो शंकर ने तार लगा के अपने बस में कर लिया है, बस इतना ही है। मेरी जमीन पे उसने तार क्यों लगाई है? उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? उसके लफड़े में तू ना जा छोटे, वो पूरे गाँव का प्रधान है। प्रधान है तो वो किसी की भी जमीन हड़प लेगा क्या? कहाँ है वो जमीन? मैं जानता हूँ गुरु, मैं बताता हूँ। वाह, तू क्या बताएगा? तू तो राजकुमार है ना। ए लंगोटमा नहीं गुरु, जमीन कहाँ है मैं बताता हूँ। वो हमारा गोटी लेके आया है, मैं लेने आया हूँ। लाया हूँ। तो ठीक है, ये सारी तेरी फौज है क्या? हाँ, अफलातून के साथ चार पाँच नहीं रहते क्या गुरु? इसी तरह मेरे पीछे ये लोग। ओहो, रणबीर तेरे जैसा लंगोट बांधता है क्या? वो खुद कहाँ पहनता है, दूसरों को पहनाता है, वो उसी का पहना हुआ लंगोट है। अच्छा, ये रणबीर का पहना हुआ लंगोट है क्या? हाँ गुरु, एक बार मेरी और रणबीर की तू तू मैं हो गई गुरु, उसने मुझे इस नौबत पर ला दिया गुरु। उस दिन से आज तक मेरे जिस्म पे कपड़ा टिकता ही नहीं, पता नहीं क्या बात। ऐसा क्या? अब तेरा हुलिया ही बदल देता हूँ, देख। आहा, क्या मैजिक है गुरु। यही बिना लॉजिक का मैजिक है तेरा। कैसी है मेरी टेक्निक? बहुत बढ़िया है टेक्निक। ये देख छोटे। बजा छोटे। सुनो रे गांव वालों, अफलातून आया रे। सुनो रे गांव वालों, अफलातून आया रे, अफलातून का ढिंढोरा सुनो रे। सुनो रे गांव वालों, अफलातून आया रे। सुनो रे गांव वालों, अफलातून आया रे, अफलातून का ढिंढोरा सुनो रे। अरे ये क्या है? सुनो जी, जो भी किसी ने जमीन लिया है वो वापस कर दो, ये चेतावनी है। सुनो जी, जो भी अफलातून का जमीन लिया है वो वापस करे। सुनो जी, अफलातून का जमीन वापस करो, ये अफलातून का चेतावनी है। जिसने भी जमीन लिया है वो वापस करो, नहीं तो वो पीटने के लिए तैयार हो जाए। सुनो जी, गांव वालों सुनो। ए, क्यों ये डफली बजा रहा है? ए नीच की औलाद, गांव का पहरेदार है क्या तू, जो डफली को बजाकर गांव में ऐलान कर रहा है? क्या है तू, डफली बजाकर क्या कहना चाह रहा है? ए, ज्यादा मत बोल, समझा तू? इज्जत से मेरी जमीन देते हो या नहीं? किधर है तेरी जमीन? कल तू यहाँ आया और आज मेरी जमीन तेरी हो गई, क्या है तू? हाँ, मेरी नहीं तो क्या तेरे बाप की है? ए, बाप तक जाएगा तो तेरी जबान खींच लूंगा, क्या है तू? बेकार में उलझ के अपनी सेहत खराब मत कर बच्चे, अपने हाथ पैर सही रखना चाहता है तो चुपचाप जमीन छोड़ दे मेरी। नहीं दूंगा तो क्या करेगा? मैं तेरा क्या कर लूंगा? गाँव में चलने के लायक और जिंदगी में जीने के लिए नहीं रहेगा तू, वो हालत करके जमीन ले लूंगा मैं अपनी। खड़े मुंह क्या देख रहे हो, मारो उसको। चलो चुप रहो। उसके बोलते ही सब हिलाते हुए आ गए। देखो लफड़ा करके फायदा नहीं, मेरी जमीन पर हम लड़ेंगे, आखिर में जो जीता जमीन उसकी, समझे तुम सब लोग? ए राजकुमार, चल तू डफली बजा और मैं इनका बैंड बजाता हूँ। ए चुपचाप खड़े हो जाओ। तो फाइट करने आए हो या डांस करने आए हो? आहा। गुरु! तुम क्या घुमाते हो? जो मैं घुमाता हूँ। ए राजकुमार, बजाना बंद कर। क्यों गुरु? आज इनका बैंड बजेगा इसलिए। अब मैं ये चप्पल पहन के इनकी बैंड बजाता हूँ। नदा, 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 नदा,
हे ए, आवाज नीची कर समझा। तूने जो गुंडे मुझे मारने के लिए भेजे थे वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। अब सुन, इन दोनों के रुकने से पहले मैं तुझे हाथ का फॉर्मूला दे देता हूँ। मेरे प्यारे बेटे, अब मैं तुझे ऐसी फाइट दूंगा कि तू इस पूरे गांव का राउंड लगाएगा अच्छी तरह से। ये अफलातून को ललकारने वाले को ढिंढोरा बजाना पड़ेगा। सुनो जी, अफलातून का ढिंढोरा, जो भी उसकी जमीन लिया है इज्जत से नहीं दिया तो मुझे देख लो, जो मेरा हश्र हुआ है वही उसका होगा। अरे बाप रे, तेरी पूरी बॉडी। अरे रे, ये क्या हो गया भगवान। अरे रे, वो अकेला था, इनके साथ बहुत थे, सबको मारा और इनको एक फाइट मारा तो ये फिरकी की तरह घूम घूम के यहाँ आ गए, वो भी एक फाइट में। अरे, एक ही फाइट में? अरे रे, सुबह उठ के किसका मुंह देखा था भैया, पूरी बॉडी तुड़वा कर आया है। अरे, बहुत हो गया बहना, तेरा रोना बंद कर, मुझसे बात भी नहीं हो रही है। प्रधान जी घर पे नहीं है क्या? ये कौन है यहाँ लेटा है टांग लटका के? ओए, आँख के अंधे, नजर नहीं आता क्या? ओहो, शंकर है। ए भगवान, खा पी के सांड हो गया था, ये क्या हुआ? ये क्या है, हाथ लग के झटके ले रहा है। ए, बंद कर अपनी बकवास, यहाँ क्यों आया है, जा यहाँ से। मालिक, जब से उठा हूँ तुमको ही ढूंढ रहा हूँ, 10-20 रुपए मिलेंगे क्या? 1 रुपया भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तुझे यहाँ से। इसका मतलब पैसे नहीं दोगे? थू तेरी जिंदगी पर, लंगड़े लूले, आग लगे तेरी जिंदगी को, ऊपर वाला तेरे हाथ पैर ठीक नहीं करे, तुझे मरते वक्त पानी ना मिले, 4 आदमी का कंधा नसीब ना हो तुझे। मिल गया मुझे, अगर पहले दे देता तो गाली नहीं देता मैं तुमको। सिर्फ 2 जालियों से उसने उनको चड्डी उतरने तक मारा अफलातून ने। हे भगवान, अब जाली लगाने वाले का वो हशर हुआ तो ताला लगाने वाले का क्या हशर होगा? क्या होगा? ये ताला और चाबी किसका है? किसका? अफलातून के घर से चोरी करके लाए थे, भूल गए क्या? हे भगवान, फूट गई मेरी किस्मत। पहले ताला खोल के दोनों ले जाके अफलातून को दो और पैर पकड़ के माफी मांगो। हे भगवान, इतनी बुरी किस्मत किसी। इसका चाल चलन समझ में नहीं आ रहा है, इस अफलातून का खेल जब भी देखो तो लगता है गांव को जरूर सुधारेगा। अरे, इतना सारा सामान चोरी करके ले गए थे क्या? थोड़ी आंखें बंद कर लो तो कपड़ा भी ले जाते हैं, गांव वाले ऐसे हैं ये। तेरा नहीं उतारा, छोड़ना, मजाक में कह रहा था। ये सब ठीक है, सब सामान आ गया क्या? आ गया। एक चीज और नहीं आई ऐसा लगता है। वो क्या है?
मैं जानता था बच्चे तू जरूर आएगा। ये सब ठीक है, इतनी देर से क्यों आया? तुम्हें देखता हूँ तो डर लगता है, इसलिए लेट हो गया। प्यार करते वक्त तो डर नहीं लगा, अब क्यों डर रहे हो? उस वक्त आप नहीं थे ना। अब तो मैं आ गया हूँ ना तुम दोनों की कराने के लिए। क्या करोगे भैया? तुम दोनों की शादी करवाऊंगा बहना। देखो गायब हो गए हैं, बहुत जल्दी मुहूर्त निकालना पड़ेगा, नहीं तो थप्पड़ खाने की नौबत आएगी। ओ मामा, ये सामान सब अंदर रखो। क्या कर रहे हो ये? ये क्या हो गया? सब गायब हो गया, बीवी भी गायब हो गई, सामान भी गायब हो गया। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। आप मिलो बहुत अच्छा चांद। चम चमा चम चम राजा बन के आना रे, मुहे लेके जाना रे। धत तेरे की, क्या चांस मिला, मिस हो गया। क्या है रे? धत तेरे की, क्या गुरु फिर तुम बीच में आ गए? मैं अगर बीच में नहीं आता तो तू बीच में घूम जाता ना। सिर्फ एक बार और चांस दे दो गुरु, काफी दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, आज बहुत अच्छा चांस मिला है, एक बार और दे दो गुरु। अरे तू तो हिरन की तरह शिकार करने लगा है यार। ए राजकुमार, समझाता हूँ चुपके से यहाँ से निकल ले, चल। नहीं जाता, क्या करोगे बोलो? फिर से निशाना लगा के देख, फिर तू जान जाएगा मैं सही कह रहा हूँ। हाँ चलना यहाँ से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम कौन होते रोकने वाले? हाँ क्या कहा? तू मुझे धौंस दिखाता है बच्चे। ओह तू कोई दादा है क्या, दादागिरी दिखा रहा है? मेरे बेटे हमारे गांव में आकर हमारे साथ रहकर मुझसे ही होशियारी दिखाता है। ओए ए नमक हराम डेढ़ फुटिया, मुझसे हाथ मिला के मुझसे तरक्की पाके और मुझे ही पैतरा दिखा रहा है अब तू है? मेरे पीछे गुरु गुरु कह के मेरा बाप बनना चाहता है, बिन पहनते के लोटे तू मुझे हाथ दिखा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? ए बिन पहनते का लोटा नहीं, हमारे गांव में रहकर हमारे बगीचे में आकर झगड़ा कर रहे हो? देखती हूँ कर जरा। हम लोग झगड़ा करेंगे, तेरे को क्या है? इस छोटे बच्चे के साथ तुझे क्या काम है भला? अरे ये बचपना नहीं है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो वो मुझे शूट कर देगा। ए करने दो, तेरा क्या जाता है? ए तू क्या शूट करेगा, कर जरा देखती हूँ। अरे अरे इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये गड़बड़ कर देगा। घुमाते हुए लाठी से बच गए तो समझो 100 साल की उम्र है। चल डेढ़ फुटिया की औलाद, जो नहीं करना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रुक जाओ छम्मक छल्लो। मेरा नाम छम्मक छल्लो नहीं है। तो फिर क्या है? कमर में जो मस्सा है वो पता चल गया, मेरा नाम नहीं पता चला। ओहो इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी से भी पूछूंगा कोई भी बता देगा। ए किसी से नहीं पूछना है, तू ना बस एक एक करके नाम बोलते जा, मैं जब मुड़ के देखूंगी समझ लेना वही मेरा नाम क्या सोच लो मेरी जान सोच लो, हारू ना तुमसे टकराओ ना हमसे, नाम में तेरा बोलूंगा कसम से, आरती भारती राधिका अंबिका, मीना कुमारी हो कृष्णा कुमारी हो लता मंगेशकर हो
उषा मंगेशकर हो, जवाब दो, सोच लो मेरी जान सोच लो, हारो ना तुमसे टकराओ ना हमसे, नाम में तेरा बोलूंगा कसम से। यमुना यमुना भावना कल्पना, सिंपल कपाड़िया यमुना यमुना भावना कल्पना, संजना अंजना चांदनी वंदना, सोच लो मेरी जान सोच लो, हारू ना तुमसे टकराओ ना हमसे, नाम मैं तेरा बोलूंगा कसम से। करिश्मा करीना ऐश्वर्या माधुरी, मस्ताना हूँ तुम पे, मर जाऊंगा तुम पे, मिट जाऊंगा तुम पे। ओ, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। जीने तमान। हाँ बहन, तुझे अभी तक शशि कपूर नहीं मिला क्या? अगर वो मिल गया होता तो कब की मैं चली जाती। अच्छा तो क्या मैं शशि कपूर से कम दिखता हूँ क्या? ए शशि कपूर के बच्चे, तुझे कोई और दूसरी जगह नहीं मिली क्या? अबे कुएं पर सोने का जो मजा है वो तू क्या समझेगा? अरे गांव की भलाई के लिए तुम्हारे बाप ने ये कुआं बनवाया था, और इसे तुम किस काम में इस्तेमाल कर रहे हो? अरे 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 मैं मर जाऊंगा, जल्दी खींचो, जल्दी करो, पानी बहुत ठंडा है, जल्दी खींचो, मैं मर जाऊंगा, बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडी लग जाएगी, जल्दी खींचो, जल्दी खींचो, बचा लो। ए किस गधे ने तुझे बंदूक दी है? कहीं भी चला देता है। ये कैसे चली पता ही नहीं चला। अच्छा लड़की के दुपट्टे की जगह रस्सी मेरे हाथ में आ गई, नहीं तो क्या होता तुझे पता है? जी हाँ जी हाँ। अब सुनो मेरी माँ, तुमने अच्छे आदमी का हाथ पकड़ा है, बहुत पैसे वाला है, जिंदगी आराम से कटेगी, अच्छी लड़की है। अरे बेचारी शर्म आ गई। अरे लंगड़ा कौन है ये नई लड़की?
बहुत अच्छे बोले, बगल में बच्चा गांव में डिडोरा, पीट के जब मिलता है तो नया ही लगता है। गांव के प्रधान होना तुम, पानी लेने कौन आई पता भी नहीं चला। बात करते पैर पे हो। गिरता हूँ मालिक, सुबह से उठ के तुम्हें ढूंढने के लिए भटक रहा हूँ। वो लड़की कौन थी इसी से पूछ लो। वो मेरी बहन की बेटी है, शारदा उसका नाम है, बहुत अच्छी लड़की है। क्यों री, बिना देखे ठोकर खाके गिर रही है या आसमान में उड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रही है? जमीन की ओर देख के चलो बहना। बेटी थी, ठोकर लग गई। जिंदगी भी ऐसी ही है, कांटे पत्थर फिसलन सब मिलेगा, संभल के चलना चाहिए। अभी से गिरेगी तो शादी के बाद कितनी जोर से लगेगी मालूम है? जाओ ना भैया। अरे बाप रे। ओ तुम हो क्या? ओ तुम हो। तुम कहाँ कहाँ से गिर के आ रहे हो? सुबह जब से उठा हूँ तुमको ही ढूंढ रहा हूँ, और तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो। ओहो, किस लिए? जितना पिया है वो काफी नहीं है क्या? तेरी कसम ज्यादा नहीं चढ़ी है, बहुत कम पिया हूँ अभी तक। अरे कौन है, हाथी के बच्चे की तरह गिर गया मेरे ऊपर। टूट गई। तू कैसी औरत है तू, दिखाई नहीं देता, सीधा आके मेरे ऊपर गिर गई। क्या कहा? मैं पी के आई हूँ, मेरी हालत तो देख, चेयरमैन से पैसा लेके पी के आया, तेरा सत्यानाश हो, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी किस्मत फूट गई। कौन है बेवकूफ जो ऐसा बोल रहा है? प्रधान, तू जानती है ना, सारे गांव का प्रधान मैं ही हूँ, तू जानती है ना। बस बाबा बस, तू अभी सिर्फ प्रधान बना है, एक बोतल और गई तो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अंदर जाके घटिया पे सो जा। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? चलो उठो अभी। ए, रुकना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी जोड़ी है। तुम हो, तुझे क्या हो गया अब? क्यों जी, लड़की का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मजाक नहीं, तुम गिरी हो इसलिए पूछ रहा हूँ बस। आज मैं गिरी हूँ, पहले कभी नहीं गिरी थी तुम्हारे जाल में। तू मेरे जाल में गिरी है या मैं तुम्हारे जाल में गिरा हूँ वो तो नहीं पता, लेकिन उस दिन जो तूने मुझे दिया था वो सिर्फ पानी नहीं था, प्यार का अमृत था। ए अफलातून। पुंगी बजाऊं क्या मेरी प्यारी मीनाक्षी? अब कुछ भी नहीं बजाना, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे प्यार का बाजा बजता रहता है, सुनोगे? देख लिए ना छोटे, इलेक्शन के टाइम चुनाव लड़ने के लिए दो दो पार्टियां लड़ती हैं, बाद में मिल जाती हैं। प्रजातंत्र है ना इस देश में, देखते रहो। इसकी पहले शादी की घर में टी पार्टी और जाने की पार्टी भी हुआ करती थी, लेकिन अब मारा मारी की पार्टी होगी, समझे तुम? तुम कौन सी पार्टी को हो बड़ा? ए लाला, क्या हो रहा है ये सब? अरे रे, घर में मेहमान आए हैं तो क्या पूछ रहे हो? आज तुम्हारी बहन का रिश्ता है। वो तो पता है, पर ये सब क्या है? वो क्या है, गांव के प्रधान के साथ तेरी बहन का रिश्ता पक्का होगा ना आज। किसने कहा तुझसे कि मैं अपनी बहन की शादी गांव के प्रधान से करा रहा हूँ? ए अफलातून, सोच समझ के बोल, जबान दे चुका हूँ। ए जी, मेरी बहन की शादी के लिए तुम कौन होते जुबान देने वाले? बहुत अच्छे, नीचे गिरने के बाद भी नाक कट जाए तब भी नाक ऊपर रखने की बात करते हैं, ये इंसान है क्या? ए, हमारे घर के मामले में गांव वालों को बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से अभी। ए लंगड़ा, जुबान इसने नहीं दिया है। ए चेतन, इधर आ। ए, तू उन्हें क्या बुला रहा है, तू यहाँ से निकल। ए, तू मुझे आग दिखा रहा है? ओहो, तू उस गाँव का राजा है क्या? इज्जत से कहता हूँ निकल जा, वरना बेइज्जती करके निकालूंगा, समझा? गेट आउट। क्या कहा, मुझे गेट आउट बोला? तेरी तो। तुम चुप रहो, मैं बात करती हूँ। ए, शुभ कार्य में टांग अड़ाने वाला तू कौन है? मर्दों के बीच जवान लड़ाने वाली, पहले तू बता, तू कौन है? गज गामिनी,
मैं एक लड़की हूँ, समझा? पता है जिसकी शादी होने वाली है वो मेरी बहना है, तुझे पता है? खुद को लड़की का भाई कहता है और घर आए मेहमानों को गेट आउट कहता है। कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है? मैं जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ गोपाल जी के लिए। तू कौन है गोपाल को समझाने वाला? वो पूछने वाली तुम कौन हो मोहतरमा? मैं एक लड़की हूँ, समझा? ये लड़की शादी करके कहाँ जा रही है हमें पता चलना चाहिए। तुम्हें तो मालूम है उस गोपाल के साथ। हम कैसे मान ले? उसे बुलाओ सामने, हम उसकी जुबान से सुनेंगे। बिल्कुल सही, वो किस लड़के को पसंद करेगी उसकी जुबान से सुनेंगे। शारदा, मैं गोपाल से ही शादी करूंगी। नसीबा कण 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 में उसकी जोत चली, देख देख उसको सबका है जिया खिले। राम का भक्त वो सबका है प्यारा, दिल में समेटे सागर सारा। देव ऋषि है कोई आया, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। ओ बन के हनुमान वो जन्मा, हाँ जन्मा हाँ जन्मा हाँ जन्मा हाँ जन्मा हाँ जन्मा। ओ दुष्टों का वध करके जन्मा, हाँ जन्मा हाँ जन्मा। वो आया दुख को हरने, अद्भुत है उसकी करनी, जो मांगो वो मिलेगा एक बार मांग ले। राम का भक्त वो सबसे है प्यारा, दिल में समेटे प्यार वो सारा। देव ऋषि है कोई आया, बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग बलि। शक्तिशाली महावीरा, भक्ति में है महावीरा, मन का है ये ज्ञाता, देवों में है परमात्मा। अरे भूत पिशाच भाग सभी, नाम तेरा जो भी जपे ऐसी है तेरी सुन माया। देखो देखो जागा सबका नसीबा, कण 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 में उसकी जोत जली, देख देख उसको सबका है जिया खिले। बैठा रहा मैं पूछ बिछा के, मस्ती में है तख्त बना के, मारुति नंद जैसा योगी ना। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हो बन के हनुमान वो जन्मा, हाँ जन्मा हाँ जन्मा। अद्भुत है उसकी करनी, वो आया दुख को हरने, जो मांगो वो मिलेगा एक बार मांग ले। आ, 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 आ,
पंडित की औलाद, पहले पूजा मेरी तरफ से होनी चाहिए, पता नहीं तुझे। ए, बंद कर बकवास, बहुत बड़ा गांव के राजा जैसी बात कर रहा है, ज्यादा बोलेगा तो बत्ती से निकाल दूंगा। क्या कहा? देखो देखो जागा सबका नसीबा, कण 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 में उसकी जोत जली, देख देख उसको सबका है जिया खिले। देखो जागा सबका नसीबा, कण 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 में उसकी जोत जली, देख देख उसको सबका है जिया खिले। खून के है सब प्यासे, कोई ना दुख बाटे, बातें सबकी हैं खोटी, मन में सबके हैं कांटे, यूं ही अगर लड़ोगे तुम दुख कभी होगा ना कम, बातें मेरी तुम मानो अपनों। बातें ये कैसे कोई समझाए, हमको समझ में कुछ भी ना आए, भगवान ही इनको अब तो बचाए, सर पे सबके हैं माया, यहाँ भूल बैठ काया, हर कोई अपना दम ही दिखाने पे है अड़ा। ये गाँव ये गाँव ये गाँव नफरत से भरा गाँव, ये गाँव ये गाँव अपनों को सब भुला के वो लड़ते ऐसे देखो, यूं खो गया है इनसा कहां प्यार है यहां। हनुमानपुर में दो पार्टी, आपस में नफरत है बोती, देख के इनका ये तमाशा, मन ही मन में मैं हूँ रोता। ये सब तेरी वजह से हुआ। हाँ तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से हुआ, चुप कर। तेरी तो हट यहाँ से, चल। अरे चल चुप कर, तेरी वजह से हुआ सब ये, वरना कुछ नहीं होता, मैं तुझे छोड़ूंगा। तेरा बात लवारिस कहीं का। तुम लोग बहुत हो गया, ये कागी पंचायत ऐसी पंचायत जहाँ फैसले के लिए लड़ते रहते हो तुम लोग, शमशान के मुर्दे की तरह मार खाए पड़े हो, फिर भी अकल नहीं आई। तुझे भी पंख निकल आए हैं क्या? पहले भगवान मेरी तरफ आना चाहिए, उसकी तरफ कैसे गया, पहले जवाब दो। पंडित जी, भगवान पहले उसकी तरफ जाए, ये कहीं लिखा हुआ है क्या? गांव के नियम से होना चाहिए, ये गांव उसके बाप दादा का है क्या? अरे बाप रे, रुद्र भैया, देव भैया, थोड़ा चुप हो जाओ। गांव में हम आपस में ही लड़ेंगे तो फैसला कौन करेगा? ए, कैसी बात कर रहा है, कैसा इंसाफ? गांव के भगवान के जुलूस के लिए इससे इजाजत मांगनी पड़ेगी क्या? गांव का प्रधान मैं हूँ पंडित, पहले पूजा मेरे यहाँ होगी या कहीं और होगी, पूछो पंडित। तेरी पूजा, ये टांग अगर सही होती तो तेरी पूजा इधर ही करता मैं। शांत हो जाओ तुम लोग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बंद करो अपनी लड़ाई, बंद करो। अगर तुम लोग ऐसे ही पागलों की तरह लड़ते रहे तो मुझे पुलिस बुलाना ही पड़ेगा, समझ गया? गांव, मेरी माँ, गांव में मेरे होते हुए
पुलिस का क्या काम है? अरे राम राम राम, जो होना था वो तो हो गया, अभी जो उत्सव रुक गया है उसे करने का इंतजाम करो। अरे हटो, हमारे प्रधान के यहाँ जब तक पूजा नहीं होगी तो ये उत्सव कैसा? अरे ये प्रधान है तो क्या हुआ, पहली पूजा इसके यहाँ होनी चाहिए, कोई शर्त है क्या, कोई शर्त में लिखा है क्या? मेरे पैर गया। ये बोलने वाला तू कौन? जो हम बोलेंगे वही फैसला है, अभी भगवान को वापस ले जाके फिर से उत्सव करना होगा। किसका फैसला? भगवान एक बार मंदिर से बाहर निकल आए तो पूरा गांव घूमने के बाद ही अंदर जा सकते हैं, उससे पहले नहीं, समझे क्या? आज मैं फैसला करके आया हूँ, मेरे यहाँ से आरती होने से पहले किसी ने आरती की तो उसको काट के रख दूंगा, खबरदार। आज मैं देखता हूँ, आज का उत्सव यही समाप्त होता है, भगवान को यही पड़ा रहने दो। तुम लोग सब जाके अभी मंदिर में ताला लगा के आ जाओ। तुम लोग मंदिर में ताला लगाएगा, तेरे बाप की जगह है। ए तुम लोग भी जाओ और एक ताला लगा के आओ, जाओ। हाँ ठीक मालिक, अभी जाते हैं। अरे मर गया, मर गया, बाप रे, अरे मर गया। छोटे। हाँ बड़े। मंदिर में ताला लगा दिया है। मंदिर को ताला लगा है, लगता है पूरे गांव में ताला लग गया है। हाँ हनुमान जी के होते हुए डर का है क्या? इन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी। लंका की छोड़ो, आज इस गांव में भी आग लग गई है, आग लग गई है इस गांव में भी। इन बूढ़ी आंखों से और क्या क्या देखूंगा पता नहीं। मारुति अब तेरा ही सहारा है। सबकी रक्षा करना भगवान। थू, अरे पता नहीं क्या क्या करते रहता है। गुरु, देखा कैसा लग रहा है हमारा गांव? चंदा मामा की कहानी में राक्षसों का भी पक्ष है, हम में और उनमें कोई फर्क है क्या? भगवान को रास्ते पे डालने वाले अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते, तो कल भगवान उनको भी नहीं छोड़ेगा। पहले तो स्कूल जाते समय भगवान के हाथ जोड़ के जाते थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते, अब क्या कर सकते बताओ? घर में जगह नहीं रहती थी तो मंदिर में जाके पढ़ाई करता था, अब क्या करें गुरु? अब क्या करें, उनसे पूछकर ये क्या करेंगे? तू ही बता गुरु, भगवान की ये हालत है तो पूरे गांव का क्या होगा? लंका की वाट लगाने वाला भगवान खुद ही यही चाहता है, तो मैं क्या करूं बताओ? देख रहा है ना लंगड़ा, अब पंचायत के लोग ही मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। हाँ। लेकिन पानी पीने के लिए मेरे ही कुएं पर आते हैं। बहुत अच्छे बोले, छोड़ो पूरे गांव में एक ही कुआ तो है, इसके सिवा कोई चारा नहीं। उस दिन देखा पंचायत में क्या हुआ, प्रधान के वहाँ पहले पूजा हो कोई शास्त्र में लिखा है, ये पंचायत में पूछ रहे थे ना। लेकिन अभी पूरा गाँव तुम्हारे कुएं से पानी ले कोई शास्त्र में लिखा है क्या? एक कहावत है, मालिक ने दांत देने के लिए खजाना खोला तो खजाना ही लूट रहे हैं, ये भी उसी तरह है ना। सही बोल रहा है तू, देख अब क्या करता हूँ। बहन जी, आज के बाद इस कुएं से कोई पानी नहीं भरेगा, जो आया उसका मटका फेंक देंगे, चलो जाओ यहाँ से। क्यों मुनीम के बच्चे, पानी लेंगे तो खानदान की दौलत लूट जाएगी तेरी। जब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो कुएं से पानी क्यों ले रही है, चल जा यहाँ से, जा। क्यों रे छोटे प्रधान, भगवान वाला नाम रख के दुशासन की तरह बर्ताव कर रहे हो? भीमसेना आएगी पता नहीं तुझे? कौन है वो भीमसेना, बंदूक की एक ही गोली से उड़ा दूंगा। जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है वो मेरे कुएं से पानी क्यों ले रही है? बस इतना ही? चल ठीक है, बहन की शादी तेरे से कराता हूँ। ये कुआ गांव वालों के नाम कर देगा। शारदा, प्रधान को तू समझता क्या है,
कुरुक्षेत्र नाटक में कर्ण का रोल यही कर रहे हैं। गरीबों के मसीहा और दानवीर कर्ण भी यही हैं। अरे जब तूने कुआं भीख में मांगी लिया है तो ये दिए बगैर रहेंगे क्या? मिल जाएगा तेरे नाम पे ये कुआं लिख के दे देते हैं, चल ले जा। लेकिन एक बात और, वचन से तू मुकरना नहीं, उससे पहले बहन की शादी करवा दे। क्यों अफलातून, क्या हुआ? जाल बिछा के खड़ा है क्यों री? तू क्या समझ रही है मैं चिड़िया पकड़ने आया हूँ इस गांव में? चिड़िया पकड़ी है शेर पकड़े, लेकिन हमारे गांव में तो शेर है ही नहीं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, भेड़ियों से भरे इस गांव में शेर कहाँ से आएगा? अब रास्ते से दो हिरण जरूर आ रहे हैं। ये क्या दो हिरण है? ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जाएंगे, ये गांव छोड़ के फरार होंगे बस। छी छी, कैसे बेवकूफ हो तुम लोग, मेरे गुरु ने कहा था याद नहीं है, प्यार करना नहीं चाहिए और प्यार किया तो डरना नहीं चाहिए। क्या पुरानी बात लेके बैठा है, अभी अफलातून क्या कहता है सुन। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और चोरी से कोई काम नहीं करना चाहिए, इसलिए इन दोनों की मैं करा दूंगा। क्या करा दोगे? इन दोनों की शादी करा दोगे क्या? शादी मैं कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए है ना तुम्हारा देव भैया, मैं उन दोनों को कराऊंगा फरार। कर ले प्यार मोहब्बत मेरे दिल भर तू, अरे रामा अभी ठहरो मेरे रामा। कर ले प्यार मोहब्बत मेरे दिल भर तू, अरे रामा अभी ठहरो मेरे रामा। आ जा रे पास मेरे। जरा धीरे धीरे मैं भी तड़पूं, जान जाना तू। जरा जरा धीरे धीरे मैं भी तड़पूं, जान जाना तू। आग लगे, आग लगे, बल मरे, बल मरे, बल मरे, बल मरे हो। आ जा रे पास मेरे, चंदनारी 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 तू। कर ले प्यार मोहब्बत मेरे दिल भर तू, अरे रामा अभी ठहरो मेरे रामा। चूड़ी मेरी दिल रुबा, मेरी महबूबा तेरे
बोले हाथों की चूड़ी मेरी दिल रुबा मेरी महबूबा आग लगी दिल मेरे चंदनारी चंदनारी हो आ जा रे कर ले प्यार मोहब्बत मेरे दिल भर तू अरे रामा अभी ठहरो मेरे रामा कर ले प्यार मोहब्बत मेरे दिल भर तू अरे रामा अभी ठहरो मेरे रामा। घर में कोई नहीं है क्या? कौन है आ जाओ, यहाँ किसको गोली देने आए हो? बहुत अच्छी बात कही, एक बात बताऊं क्या? वो सब नहीं चाहिए, तेरे आने का क्या मतलब है ये बता। वही बात हुई ना दादी, करोड़पति है तो पोते पोतियों को चिंता क्या करना। हमारे प्रधान को शादी की फिक्र लगी है जी। अरे 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 क्या यार, शादी करने आए तो फिक्र क्यों, जाओ कह दो करा दूंगा। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, अपनी बहन के साथ प्रधान की शादी करवा दो। कब कर रहे हो? इसलिए प्रधान की ने पूछने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। इतना ही ना, उनसे कह दो अच्छा सा कोई मुहूर्त देख के दिन फिक्स कर ले, करा दूंगा शादी। इसीलिए तो कहते हैं रातियों में आए लोगों को ज्यादा इज्जत मिलती है। अभी जाकर के प्रधान को सब कुछ बता देता हूँ। ए गुरु, तुम उल्टा तीर क्यों पकड़ रहे हो? हाँ बताओ मुझे। कहाँ पर मैंने उल्टा तीर कहाँ पकड़ा? अरे वही रिश्ता गोपाल के साथ करके शादी चेयरमैन के साथ करा रहे हो। ऐसा हुआ तो समझ लेना मैं जिंदा नहीं रहूंगी शादी तक, कुएं में गिर के जान दे दूंगी अपनी। अरे अरे अरे, हमारे गांव में सिर्फ एक ही कुआं है, तुम कूद गई तो हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे? बहना गांव के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, इंसाफ भी होना चाहिए। शादी मेरी हो रही है तेरी, पांच पंचों की तरह आके बैठ गए, दूर जाओ बेवकूफी तेरे। आओ चलो चलो बैठो बैठो, मैं तेरा बाप हूँ। आइए जी आइए आइए। ये क्या बात है भाई, शादी की जगह खुशी मनाने के बजाय मातम सा छाया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आइए। अरे शारदा ये क्या हो गया? अरे इसे क्या हो गया? हाय राम। अरे उल्टी। बाप रे, इसी का मैं वेट कर रहा था। अरे थोड़ा बात करो तुम लोग। उल्टी ऐसे ही नहीं आई, पेट से है ये। अब क्या होगा? हे भगवान। ए क्या हो गया तुझे, जो मुंह में आया बके जा रहा है। एक कोई रफड़ा मत करना सब। ए सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ए कैसी शांति, देख तेरी बहन कर रही है उल्टी। उल्टी उल्टी, मुबारक हो, सही टाइम पर तूने भांडा फोड़ा है, सही टाइम पर फोड़ा है। आ? देख लिया छोटे, कहानी कहां से कहां पहुंच गई है। देखो सुनो जी सुनो, पहले ही यहां मातम छा गया, गले में मंगलसूत्र बांधने से पहले ही लड़की उल्टी कर रही है, ऐसा मैं इस गांव में पहली बार देख रहा हूँ। ओहो ऐसा लगता है पूरी दुनिया डूब गई है, वो टेंशन से उल्टी हो गई होगी, उसमें क्या बड़ी बात है। मुहूर्त जा रहा है, जल्दी करो। ये शादी कराने का तरीका है क्या? क्यों मैडम, आप शुगर पैदा कर रही हो, उल्टी हुई तो क्या हुआ? प्रधान उठ जाओ, चलो शादी होने वाली लड़की 3 महीने पेट से है। क्या 3 महीने का पेट में है? मुझसे धोखा, इतना बड़ा धोखा, ये क्या हो रहा है? अब सही रहा ना, इसीलिए तो मैंने कहा था ताला लगवा दो। ओ प्रधान जी मेहरबानी करके बैठ जाओ, मत जाओ। कोई जरूरत नहीं है, पीछे हटो, एक लड़की के लिए पूरा कुआं तेरे नाम कर दिया है। जिस तरह बड़े दिल से कुआ दिया है उसी तरह मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधो। बहुत अच्छे, कुआ लेके दिया उसके बदले दूसरे का पाप इनके गले बांधोगे क्या? चलो चलो। प्रधान जी हमारा दिल तोड़ के मत जाइए, मेरी एक ही बहन है, हमने उससे बहुत प्यार दिया है, हमने कितने सपने संजोए हैं उसके लिए। उसके लिए मैं क्या करूं? किसी और का प्रसाद मैं क्यों खाऊं? मुझे क्या आलतू फालतू समझा है, प्रधान हूँ मैं, समझा? सुनिए जी हमारे साथ फैसला कीजिए, फैसला कीजिए हमारे साथ। ये क्या फैसला करेगा, कौन गुनेगार है उसको पकड़ करके लेके आओ। क्यों री, इज्जत से पाला पोसा तो मेरी ही इज्जत को छाल दिया, ये तूने सही किया क्या? ये इस गांव के बहुत बड़े प्रधान हैं, उनकी बेइज्जती कर दी तेरी तो। ए, छोड़, उसका गला क्यों दबा रहा है? आहा वो बच्ची है क्या, जो पाप तूने किया है उसके शर्म से रास्ते में पड़ा भगवान भी हाथ जोड़ रहा है। अरे वाह गुरु, बहन को बचाने के लिए भगवान को भी लपेट लिया, मान गए। अब क्यों चुप है तू, बोल कौन है वो? मैं हूँ,
तू है? ऐसी हरकत करने की हिम्मत कहाँ से आई? तुझमें बोल, अब तेरी गर्दन काट के जमीन में गाड़ दूंगा तेरी तो। अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ, क्यों मार रहे हो उसे? जो ना था हो गया, छोड़ो अब आगे क्या करना है वो करो। बेचारे प्रधान साहब सारे गांव के माई बाप हैं, इनकी इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देखो ना प्रधान साहब, तुम्हारी जगह एक बैठा हुआ है। बैठा रहने दो भाई, ये पाप भी तो इसी ने किया है ना। और नहीं तो क्या, बेटी बैठ जाओ। ए मंगलसूत्र बांधो, ए थाली पकड़ो, हाँ जल्दी पकड़ो, ए बैंड बजाओ। सामने तो तुम ही हो, तुम्हें छोड़ के और क्या देखूं? रोजाना तो देखते ही हो मुझे, आज मुझ में कुछ नया है क्या? सच में नयापन आ गया है, मैं हमेशा तुम्हें अलग रूप में ही देखते आया हूँ। अलग रूप मतलब? मतलब एक गहना और इस चोली के पीछे जाऊं तो तुम कैसी दिखोगी ये सोच रहा हूँ। मेरी बात का बुरा मत समझना, ये लहंगा और चोली की छोड़ के साड़ी पहनोगी तो कैसी लगोगी यही पूछ रहा था, उतने में तुमने ऐसा क्या? हाँ हाय, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे साड़ी पहननी तो आती नहीं। पहनाने के लिए मैं हूँ ना। तू मुझे साड़ी पहनाएगा? तुझे मेरे सिवा और कौन पहनाएगा? तुझे पहनाना उठाना खिलाना सब कुछ करने वाला मैं ही तो हूँ। चल आ, मैं तुझे साड़ी पहनाता हूँ। अरे 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 अरे, क्यों ऐसा कर रहे हो? भगवान। नहीं नहीं, इसे मत मारना, नहीं मत मार। अरे वाह, आहा क्या जादू किया डेढ़ फुटिया। मैं तेरे जैसे टपुरी नहीं हूँ समझे, साड़ी पहनेगी तभी लड़की अच्छी लगती है, तभी मैंने इनको साड़ी पहना। नहीं 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 नहीं, तुम दोनों जो गाना गा रहे थे ना, उससे मेरी आंखें शर्म से झुक गई। ची 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 ची, उम्मीद नहीं थी, क्यों राधा? जी हाँ, सारा गांव यही बात कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ? इस गांव में तेरे आने से मंदिर में ताला पड़ गया, भगवान आके सड़क पे गिर गए, ये सबका जिम्मेदार तू ही है। ये क्या कह रहे हो, किसी और का गुनाह मेरे सर क्यों थोप रहे हो? पूरे गांव वाले आपस में लड़के भगवान को सड़क पे ले आए हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ ये पूछ रहे हो तुम? भगवान सड़क पे आ गए और तुम रोज पुंगी बजाए घूम रहे हो और पूछ रहे हो मैं क्या करूँ, ये गलत नहीं है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गलती हो गई, गलती हो गई। तो मैं क्या करूँ स्वामी? हम लोग उस पंचायत में एक ही फैसला करेंगे बस। तुम्हें इंसाफ करना ही होगा, नहीं तो आज से हम सत्याग्रह पे बैठेंगे। तुम्हें इंसाफ मांगना होगा, इंसाफ करके भगवान को मंदिर में बिठाओ, खाना भी नहीं खाएंगे हम लोग। अरे अरे अरे, इसके लिए तुम लोग क्यों सत्याग्रह करोगे? आज ही मैं भगवान को वापस मंदिर में पहुँचा दूंगा, समझे तुम लोग? रेडी गुरु, चलते हैं। Thank you.
हमारे गांव के भगवान को उठाने वाला तू कौन होता है? हमारे गांव के भगवान को हाथ लगाया तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ए, हमारा गांव, हमारा भगवान है, उसको चाहे हम सड़क पे फेंके या महल में सजाए, इसमें टांग अड़ाने वाला तू कौन होता है? हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, हमारे होते हुए फैसला करने वाला तू कौन होता है? ए, बंद करो बकवास। इस गांव में एक ही मंदिर और एक ही भगवान है, उस भगवान को भी रास्ते पे फेंक के रख दिया, कैसे इंसान हो तुम? हाँ, ये क्या हो रहा है? घर की चार दीवारी पर चूल्हा चौकी करने वाली औरतें सड़क पे आके मर्दों को धमकाने लगी है, अब क्या होगा? हे भगवान, ताला चाबी। ए, चुप कर। ताला चाबी करते करते मंदिर को ही ताला चाबी लगवा दी, सबके मुंह पे ताला लगवा दिया, आखिर में पूरे गांव को ताला लगवाना चाहता है क्या? अपनी मैं दिखाने के लिए भगवान को सड़क पे ले आए? अकल नहीं आई, तुम सब लोग पथभ्रष्ट हो गए हो। थू तुम्हारे मुंह पे, तुम गांव के बड़े हो क्या? सीधे साधे गांव में गुंडा पार्टी बना के गांव को नर्क बना दिया है तुम लोगों ने। ए, बेवड़े की औलाद, बंद कर अपनी बकवास, मुंह खोलेगा तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। ए अफलातून, तुमने हमारे भगवान को हाथ लगाने की कोशिश की तो? ए, भगवान को मैं क्यों हाथ लगाऊंगा? वो खुद चाहेगा तो अपनी जगह पे उठ खड़ा होगा। सात समंदर पार करके आया भगवान को ये सड़क पार करने कोई बड़ी बात नहीं है। हर सुबह निकलने वाला सूरज तुम सबको जगा रहा था, लेकिन कल सुबह उगने वाला सूरज इस भगवान को जगाएगा। कल सुबह तक अगर ये यहीं बैठा रहा तो मैं इसे भगवान नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी भगवान नहीं मानूंगा। फिर तुम उससे एक बात कहना, अगर मैं नहीं मानूं तो मुझे अपना तुम कौन कहेगा? थू। रक्षा तू, हाँ रक्षा करना।
जब तक है हौसले डरना है क्यों किसी से, देखेगा जग सारा होंगे जो फैसले। सब लोग जानते तुझको है मानते, राम भक्त हनुमान की हो जय जय। अब तुम्हारे सामने न कोई भी लुटे, अब रखना लाज रे ये मानता है तू, तेरे हाथ लाज रे ये मानता है तू। जब तक है हौसले डरना है क्यों किसी से, देखेगा जग सारा होंगे जो फैसले। अब लोग जानते तुझको है मानते। सबको प्रभु तेरे फैसले, आगे तेरे हनुमान किसी की भी ना चले। सहना कोई जुल्म ना होगा कोई जुल्म, हनुमान जी तेरे हैं उपकार सबके संग। जब तक है हौसला डरना है क्यों किसी से, देखेगा जग सारा होंगे जो फैसले। राम भक्त तुझे तेरी शक्ति है शक्ति। तेरा लेंगे सुबह शाम, ओ राम जी के दूत हनुमान, ओ राम जी के दूत हनुमान, ओ राम जी के दूत हनुमान, ओ राम जी के दूत हनुमान। Thank you.
अफलातून लौट आया। हाँ मैं आ गया हूँ। आओ बच्चों आओ। आओ बच्चों आओ। तुम्हारे लिए मैं आ गया ना, और क्या चाहिए तुम्हें? भूख लगी है। खाने के लिए उधर देखो उधर। बाप रे, और क्या चाहिए तुम्हें? अब इंसानों से जान बची, अब आराम से सोऊंगा। अच्छू, ओहो ये फूंक मारने में गिर जाता है। क्या है मालिक तुम्हारी नौटंकी, थोड़ा सा आराम भी नहीं करने देते। ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सबके लिए कुछ ना कुछ लाए, मेरे लिए क्या लाए गुरु? तुम्हारे लिए ही लाया हूँ साहब। तुम ही ने तो मुझे हनुमानपुर भेजा था ना, इसीलिए हनुमानपुर के सारे बच्चों को तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ए बड़े फिर लौट आए बाबा। अरे अब ये किसको उठा के ले जाएगा बाबा? अबे तेरी तो मनोज। सुनो बच्चों को ये कहाँ लेकर गया होगा? गांव में सबको लावारिस करके चला गया है भगवान। नमस्ते जी। ये क्या कमाल की बात है, मुझे देखते ही सब अंदर भाग जाते हैं। अरे कैसे हो भाई लोग? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा बाबा, ये तो फिर से लौट आया। ये क्या हो रहा है, पूरा गांव सुनसान हो गया, कोई बात तक नहीं कर रहा है। देखता हूँ तो सब चकरा के गिर जाते हैं। अरे 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 बाप रे भागो। अरे चलो पकड़ो पकड़ो रे इसको, जाने मत देना, पकड़ लो, दौड़ो। हाँ सब छोड़ना मत इसे, पकड़ देना, दौड़ो रे, पकड़ो 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 इसको, भाग ना पाए, पकड़ लो, छोड़ना मत। ए पकड़ लो, छोड़ना मत,
तू कहां तक भागेगा देखते हैं हम।